अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल। बेसिक कोकोमो मॉडल क्या है और कोकोमो का कॉन्सेप्ट क्या है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं। बेसिकली जब बात आती है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की, जब भी हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास तीन मॉडल्स आते हैं, ठीक है, मॉडल वन, मॉडल टू एंड मॉडल थ्री। ठीक है, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास तीन मॉडल्स आते हैं। तो अगर हम लोग मॉडल वन की बात करें तो वो कहलाता है हमारे पास बेसिक कोकोमो मॉडल, बेसिक कोकोमो मॉडल। अगर हम मॉडल टू की बात करें तो वो हमारे पास कहलाता है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, ठीक है। और अगर हम लोग मॉडल थ्री की बात करें तो वो हमारे पास कहलाता है एडवांस्ड कोकोमो मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कोकोमो मॉडल के बारे में, और इंटरमीडिएट और एडवांस को हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। जब बेसिक कोकोमो मॉडल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है? द बेसिक कोकोमो मॉडल डिटरमाइंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एंड कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एक्सप्रेस्ड इन एस्टिमेटेड लाइन्स ऑफ कोड। जब हमें अपने प्रोग्राम का साइज लाइन्स ऑफ कोड में दिया गया होता है और तो वहाँ पर हम दो पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं बेसिक कोकोमो मॉडल में। वहाँ पर एक पैरामीटर होता है हमारे पास एफर्ट का और दूसरा पैरामीटर होता है वहाँ पर हमारे पास टाइम का। अगर हम एफर्ट की बात करें तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, ए के एल ओ सी बी, ठीक है। और अगर हम लोग टाइम की बात करें तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं सी ई और पावर डी। एफर्ट को हम कहते हैं एफर्ट इन पर्सन मंथ, इन पर्सन मंथ। और टाइम को हम कहते हैं डेवलपमेंट टाइम इन अ मंथ। एफर्ट को हम डिनोट करते हैं ई से और इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तीन मॉडल्स होते हैं, सॉरी तीन मोड्स होते हैं। एक बेसिक कोकोमो मॉडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन मोड्स होते हैं। एक मोड है हमारे पास ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड मोड और थर्ड है हमारे पास एम्बेडेड मोड, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब हम फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर रहे हैं एफर्ट और टाइम का तो वहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी है ए की, बी की, सी की, डी की, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होगी जो हम एफर्ट कैलकुलेट करेंगे? तो हमें ये देखना होता है कि हम ऑर्गेनिक मोड को यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक मोड वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सेमी डिटैच्ड मोड है तो हम उसकी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास एम्बेडेड मोड है तो हम उसकी ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से मोड को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को यूज़ कर रहे हैं या सेमी डिटैच्ड को या एम्बेडेड को? तो वो भी अभी हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है ए बी सी डी ई की, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने रजिस्टर में जो कि पहले से वहाँ पर मैंने लिख कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये वैल्यूज़ देख सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के हमारे पास तीन यहाँ पर मोड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड, और ये हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं। आप लोग पहले ये डिटरमाइन करोगे कि आप अगर मॉडल वन को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके पास कौन सा मोड है। अगर ऑर्गेनिक मोड है तो आप इन फॉर्मूलाज में ये वाली वैल्यूज़ पुट आउट करोगे, अगर आप सेमी डिटैच मोड यूज़ कर रहे हो तो आप इन फॉर्मूलाज में ये वाली वैल्यूज़ पुट आउट करोगे, और अगर आप एम्बेडेड मोड यूज़ कर रहे हो तो आप इन वाले फॉर्मूलाज में ये वाली वैल्यूज़ को पुट आउट करोगे। ऑर्गेनिक मोड की बात करें तो वो हमारे पास सिंपल और स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जहाँ पर जो डेवलप किए जाए मोर देन 50 के डी एस आई, मीन्स के डी एस आई स्टैंड्स फॉर 1000 डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर हम लोग सेमी डिटैच की बात करें तो वो हमारे पास मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एंड एम्बेडेड का। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टीम्स काम कर रही होती हैं उनके पास मिक्स्ड एक्सपीरियंस होता है जो कि ऑर्गेनिक टीम्स के पास होता है और एम्बेडेड टीम्स के पास होता है। जबकि सेमी डिटैच में जो हमारे पास साइज़ होता है वो होता है 300 के डी एस आई। यहाँ पर हमारे पास होता है मोर देन 50 300 के डी एस आई, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोजेक्ट्स हमारे पास वो सभी
हाँ जो है उस यहाँ पर हमारे पास सभी साइज ऑफ कोर्स यूज हो सकता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने बात की बेसिक कोकोमो मॉडल की, जो कि हमारे पास मॉडल 1 कहलाता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में। और यहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि हम कौन से मोड में हैं, ऑर्गेनिक मोड में है या सेमी डिटैच्ड में है या एम्बेडेड में है। उसको यूज करते हुए हम इन फॉर्मूलाज में ये वाली वैल्यूज को पुट आउट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो टेबल दिखाया जहाँ पर ये वैल्यूज मेंशन। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना कमेंट और फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना।